तुम्हारे सामने रेंगो सर खड़े हैं। देखो तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने बैठ चुके हैं और प्लेट के अंदर सलाद दाल चावल अबू ज़ादा। आप कैसे हो? बस आपको लाइक देती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग अपने यहाँ पे सेट के अंदर है और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं, कुछ शूट वूट नहीं हो रहा। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज सुबह सुबह 5 बजे दानिश सर ने हम सबको कॉल करके उठा लिया और बोला कि आप सबको शूटिंग पे चलना है। तो हम सुन के तो बड़ा शॉक हो गए और दानिश सर को भी अब पता नहीं था। उन्हें भी रात में कॉल आया कि एक शूटिंग है और ये शूटिंग है हमारे रेमो डिसूजा सर की मूवी की। तो हम लोग तो बड़े एक्साइटेड हो गए। तो सबसे पहले हम जाएंगे डांस क्लास, फिर वहाँ से हम अपने आगे की जो शूट लोकेशन है वहाँ पे जाएंगे। तो हमें भी पूरा डिटेल में नहीं पता है, तो वहाँ पे चल के हमें पता चलेगा। ये वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज पूरा देखना। देखो अभी 6 बज गया, अब हम चलते हैं सीधा डांस क्लास। जाए हम लोग? हाँ करो, चलो उन्हें भी जाएंगे। डांस करते हैं। ये सुबह सुबह इनका डांस देखोगे ना आप लोग चौंक जाओगे। ऐसा ऐसा करते हैं। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो सुबह सुबह देख लो कितना सन्नाटा है। ये भाई साहब भी सो रहे, देखो यहाँ। हेलो सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। अंदर इन लोग की प्रैक्टिस चल रही है, बाहर वेट कर रहा हूँ। टाइम ऐसे हो रहा है, 7 बज चुके हैं, 8 बजे वहाँ पहुँचना है। देखते हैं कब निकलते हैं लोग। तो अभी हमारी डांस प्रैक्टिस हो चुकी है और हमें रिहर्सल हो चुका है। वहाँ पे जाकर के जो मेन डांस स्टेप है, अरे जाके क्या 7:30 यही बज गया है, 8 बजे पहुँचना था। हमें 8 बजे पहुँचना, आधे घंटे में पहुँच पाएंगे वहाँ पे। अभी देखते हैं जैसा भी जो भी होता है, क्योंकि वैसे भी हमें प्रैक्टिस करने में रिहर्सल करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया। तो अभी हम अपने लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारी शूटिंग होगी। तो हमें जाना है मलाड मालोनी और जाने पे तो आधा घंटा लगने वाला है, तो अभी चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, यहीं पे वो स्टूडियो है जहाँ पे शूटिंग हो रही है। तो अभी स्टूडियो तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, 1-2 यहाँ पे एक ये वाला स्टूडियो है, फिर एक वहाँ पे इसके पीछे जहाँ पे शूटिंग हो रही है वो वाला स्टूडियो। ये है हाईलाइट स्टूडियो, यहाँ पे शूटिंग हो रही है वो वाली मूवी की और उसमें हमें डांस करना है। चलो इस स्टूडियो के अंदर एंटर करते हैं। तो आप कैसे हो? बस आपको लाइक देती हूँ मैं। थैंक यू सो मच। खुश हो गया थी। अच्छा आप यहाँ पे काम कर रहे हो? अच्छा तो ये है सेट, यहाँ पे हम शूट करेंगे, यहाँ पे हमारी शूटिंग होगी। क्या बोल रहा है? दूसरे से बढ़ा रहा है अभी व्लॉगिंग। तो हम सेट पे आ चुके हैं और यहाँ पे पहले कॉस्ट्यूम सारे रखे हुए थे, अब सब समेट लिया है और यहाँ पे अंदर भी सबका सब लोग रेडी हो रहे हैं। और ये भी सेट ही लगा हुआ है और वहाँ पे सबकी वैनिटी वैन खड़ी हुई है और सब लोग अपना अंदर जाकर के आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये अंदर का सेटअप है। अभी हम यहाँ पे नाश्ता करने आ गए हैं यहाँ पे। क्या क्या है खाने में? अभी वाटरमेलन है। जो खाना वही लेना, खराब नहीं करना। अभी मैं पाव भाजी खा रही हूँ, यहाँ पे छोले है। वैसे छोले भटूरे के साथ खाया जाता है पर भटूरा खत्म हो गया था तो पाव खाता हूँ। मैं ये खा रहा हूँ पापा का तरबूज वाटर मेलन खाली, मैं यहाँ पे छोले भटूरा खा रहा हूँ। फिर हमारे सर भी आ गए हैं, इधर खाने भी ढूंढ पड़े हैं। कृष्णा तो यहाँ देखो खाते रहता खाली को काम लाइन के बाद। आप देख सकते हो टेंट लगा हुआ है, नाश्ता वास्ता हो गया। यहाँ गणपति की मूर्तियाँ भी हैं, सब शूट के लिए रखी हुई हैं। बहुत सारी गणपति की मूर्ति रखी हुई है। चाय आ गई है अदरक वाली। तो एक छोटा सा रूम मिला हम लोग को, पब्लिक ज़्यादा, रूम छोटा है। क्योंकि हम लोग अर्जेंट में थे, हमें मतलब अभी कल रात में पता चला तो हम लोग का कॉस्ट्यूम तो बराबर से सेट नहीं था। तो अभी वही सब सेट कर रहे हैं कलर्स के अकॉर्डिंग। और फिर हम फीमेल डांसर्स अपना मेकअप करवाने जाएंगे वहाँ पे अपने मेकअप रूम में। और फिर हमारे शादी में
तो अभी कृष्णा का मेकअप हो रहा है सबसे छोटे बेबी का। लाने से जब से आए एकदम टेंशन में पानी पिए जा रहे हैं, कम से कम 10 बोतल पानी पी चुके हैं ये। कितना बोतल हो गया सबका हिसाब दिया जाएगा। प्रैक्टिस कर रहा है और ये दूसरे रूम में गई है। मेरा मेकअप हो चुका है और मैं आंटी को बोल रही हूँ मेकअप करा लो, पर नहीं करना आंटी को। अभी मेरा हेयर स्टाइल भी हो चुका है, हम सबका हेयर स्टाइल हो चुका है, हम सबका मेकअप हो चुका है। अब आ रही है शूटिंग की, अब देखते हैं बॉयज का क्या चाहिए। तो इन लोगों का सीन आने वाला है, उससे पहले लोग प्रैक्टिस करे पड़े हैं। कोई बच्चों को रिहर्सल कराना है, वो बंदा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे कहाँ गया रानी वहाँ से कहाँ गया वो कहाँ गया स्टार्टिंग स्पॉट एक काम करो ये माने अबू ज़्यादा एक सबका हाथ दिया बच्चा अबू ज़्यादा हाँ और एक को सीधे करा सबका हाथ दिया बच्चे मैं कैसा अबू ज़्यादा और तो स्टूडियो के लिए हम लोग जा रहे हैं हम सीधा स्टूडियो के अंदर। हमारे सामने रेमो सर खड़े हैं, देखो इन लोग का ग्रुप डांस हो गया है, अचानक मतलब कोई भी जितने भी डांस हो रहा है ना कोई प्लान से नहीं हो रहा है, अचानक सब हो रहा है। और अंदर शूट भी नहीं करने दे रहे इसलिए हम लोग अंदर की वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जरा भी शूट नहीं करने दे रहे हैं। रेमो सर अंदर हैं। तो अभी लंच टाइम हो गया है, अभी हम लोग थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे फिर से हमारी शूटिंग होगी, तो हम फिर से अपने सेट पे चले जाएंगे। तो अभी चलते देखते लंच में क्या क्या है। खाना स्टार्ट हो गया है तो अभी हम लोग यहाँ पर खाने बैठ चुके हैं। प्लेट के अंदर सलाद दाल चावल और भी बहुत सारा आइटम है, पर हम लोग ने कम ही लिया। और एक भाजी और ये चिकन पकौड़ा चिकन यहाँ पर शादी में खा रहे हैं हमारे दाने सर, तो भाई दो दो रोटी भी लेकर के बैठे हैं और हमारे साथ बैठ करके और भी सारे डांसर्स लोग खा रहे हैं। हाँ ठीक है। और यहाँ पर सब लोग खा रहे हैं अलग अलग चेयर लेके, भी सब लोग लाइन में भी लड़ रहे हैं। और पापा तो अभी सलाद खा रहे थे, वो भी नहीं खा रहे वो छाछ लस्सी क्या है वहाँ पे वो पी लो। तो ये है सेट जहाँ पे हम लोग ने परफॉर्म किया, वो है स्टेज और यहाँ पे पीछे सारे कैमरा रखे हुए। तो अभी हम लोग अपने यहाँ पे सेट के अंदर है और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे हैं, कुछ शूट वूट नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा। हम लोग फालतू में बैठे हुए हैं, ये लोग मुझे हॉरर स्टोरी सुना रहे हैं, मैं उसको फनी बना रही हूँ। हेलो हेलो गाइस, आज कुछ नहीं हो रहा है, हम दोनों साथ हैं, मतलब खेल रहे हैं। शुरू में तो बहुत कुछ हुआ, शुरू में हम लोग ने डांस भी परफॉर्मेंस भी किया, फिर उसके बाद बहुत सारा शूट भी हुआ और यहाँ पे पता है हमें नोरा फतेही मैम भी मिली और फिर उसके बाद रवोटी सुबह सर भी मिले और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज मिले, अभिषेक बच्चन मिले। तो हम लोग ने उनको पहली बार लाइव देखा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और फिर हम लोग ने उनके सामने परफॉर्म भी किया। अब वो नहीं पता कि उनको हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो या नहीं, चलो कोई नहीं, हम लोग ने तो अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया था क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था प्रैक्टिस करने के लिए और हम लोग ने फटाफट से मतलब 2-3 घंटे में ही सीखा था डांस। तो अभी हमारा शूट हो चुका है, हमारा पैकअप भी हो गया, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हमारा तो शूट मतलब अच्छे से हो ही गया। और अभी दाने सर और हमारे जो भी और मेंबर्स थे वो सब भी जा रहे हैं, तो अभी हम लोग भी फटाफट से निकलते हैं घर की तरफ। तो अब हम घर आ चुके हैं और हमें वहाँ पे शूटिंग पे काम करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत मज़ा आया। और सादिम तो पहले भी 2 सीरियल और 1 Eros Now के एड में काम कर चुका है, लेकिन ये मेरा पहला शूटिंग था। और सबसे बड़ी बात कि मैंने सबसे पहले मूवी और वो भी रेमो सर की मूवी में काम किया, और सादिम का भी ये मूवी में काम करने का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और हमें वहाँ पे स्टेज पे खड़े रह करके डांस किया, वो भी रेमो सर के सामने। तो
बता नहीं सकती मैं कितनी नर्वस हो गई थी, पर जैसा भी हुआ हमारा डांस तो अच्छे से हुआ। और हमारे वैसे मूवी में एक ही सीन था पर वो बहुत अच्छे से गया, तो अंदर ना ही फोटो और ना वीडियो बनाना अलाउड था, तो हम वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाए। लेकिन हम आपको बताते हैं कि हम किस किस से मिले। तो ये रेमो सर की मूवी है तो हम उनसे तो मिले ही, और साथ ही साथ उनकी वाइफ भी आई थी तो हम उनसे भी मिल लिए, और दूसरे डांसर आप पुनीत सर को जानते होंगे, हम उनसे भी मिले। और आप सुपर डांसर के पार्टिसिपेंट संचित को तो जानते ही होंगे, और वो इस मूवी में काम कर रहा है, तो हम उससे मिले और हमने बहुत सारी बातें करी। हम उसका डांस देखते हैं और वो हमारे ब्लॉग्स देखता है। उसने हमारे ब्लॉग्स की तारीफ करी और बोला कि आपके ब्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हमने उसके साथ सेल्फी भी खिंचाई, तो सेल्फी हमने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है, आप जाकर देख सकते हो। और ये सब तो थी डांसर्स की कैटेगरी। अब हम आपको दो एक्टर्स बताते हैं जिनका आप सुन करके आपको भी बड़ा मजा आएगा, जैसे हमें उनसे मिल करके मजा आया। तो सबसे पहले नंबर पे है अभिषेक बच्चन सर, वो इस मूवी में काम कर रहे हैं, तो उनसे हम मिले और हमें उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। हमने पहली बार रियल लाइफ में उन्हें देखा था तो हमें तो बड़ा ही मजा आया। पापा को तो सबसे ज्यादा मजा तभी आया। और दूसरे नंबर पे आप अगर सुनोगे ना तो आप भी शौक हो जाओगे। दूसरे नंबर पे है नोरा फतेही मैम। और जब मैं उनसे हाथ मिलाया ना तब उनका हाथ एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट था, मुझे तो मजा ही आ गया। नोरा फतेही मैम भी मूवी में, नोरा फतेही मैम भी काम कर रही है। हाँ, तो अभिषेक बच्चन, नोरा फतेही मैम, इस दो जन लोग एक्टर में से। और बाकी सब का है संजीत मूवी में काम कर रहा है। हाँ। और भी कुछ कैरेक्टर होंगे तुमने नहीं पता, इतने लोग तो थे वहाँ, तो सबसे मिलकर बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत। बस खाली अफसोस एक ही बात का है भाई कि हम उनके साथ इनका ना तो हम फोटो ले पाए और ना ही इनका वीडियो, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी मतलब मोबाइल निकालना बिल्कुल अलाउड था ही नहीं, क्योंकि अगर हम शूट कुछ भी करते और उसको अपलोड करते तो स्पॉइलर हो जाता, इसीलिए कुछ भी। और बाहर कैसा कोई मौका मिला ही नहीं हम कोई फोटो ले, लेकिन संजय के साथ से बाहर मिले हम लोग, उससे सेल्फी ले लिए, बाकी तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल लिया सबसे अच्छा लगा। मजा आ गया पापा को आज शूटिंग पे जाकर के, पहली बार इतना मजा आया। वाह, गया हूँ इसके साथ दो तीन चार शूटिंग में। हाँ। तो ये मूवी है रेमो सर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डांस की मूवी होगी, पर हमें इस मूवी का नाम नहीं पता इसलिए हम आपको भी बता नहीं सकते। और ये मूवी में हमारा ज्यादा तो सीन नहीं था, एक ही दिन का काम था, तो इसीलिए हमारा एक दिन का शूट हो गया, सब रेडी हो गया। काम जो है वो मतलब एकदम अर्जेंट में, बस रात को समझ लो एक दो बजे कॉल आया, सुबह सुबह में एकदम अर्जेंट में, तो एक ही दिन का सीन था। लेकिन इसी बड़ी मूवी में काम किए, थोड़ा सा ही काम किए सीन, वो तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी की बात है हमारे लिए। और ये काम भी मिला हमारे दानी सर की वजह से, क्योंकि उनका डांस क्लास है, तो दानी सर की वजह से काम मिला। दानी सर मूवी में नहीं दिखे क्योंकि बच्चे लोगों ने डांस किया है, दानी सर को भी डांस कर लेना चाहिए था। नहीं, दानी सर को भी वहाँ जाके सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप जब भी ये मूवी आएगी आप जरूर से ये मूवी देखना, थोड़ा सा ही सही लेकिन हम आपको जरूर दिखेंगे। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हम चाहे जहाँ भी चले जाएं, हम कितने बड़े सेलिब्रिटी से मिल लें, लेकिन आपका प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें आपके प्यार की तो जरूरत है। तो इस वीडियो को आप जितना शेयर करोगे हमें उतना ही ज्यादा प्यार मिलेगा। इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू, बाय।